वेलकम दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम यूको बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, जहां पे आज के वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे यूको बैंक से अगर आप लोग भी पर्सनल लोन लेना चाहते हो, अगर आप लोगों को भी पर्सनल लोन की तलाश है, पर्सनल लोन अगर आप लोग अपने खाते में पाना चाहते हो और काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट तक का पाना चाहते हो, तो आप लोग यूको बैंक से बहुत ही ईजिली इसको जो है आवेदन कर सकते हो। अगर आप लोगों का खाता यूको बैंक के अंदर है तो आप लोग जो है बिल्कुल तरीके से एलिजिबल हो यहाँ से लोन लेने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ जो हम यूको बैंक से पर्सनल लोन आवेदन करने वाले हैं, इसका लोन अमाउंट कितना होने वाला है, लोन का इंटरेस्ट रेट कितना होगा यानी ब्याज दर कितना होगा, और पर मंथ या पर एनम के अकॉर्डिंग वो आपको सारी चीज पता चलेगी। साथ ही में अगर ईएमआई बेसिस पे सारी चीजें होगी तो ईएमआई कितने तक का बनेगा वो कैलकुलेट कैलकुलेट आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। इसी के अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ पे आप लोगों को जो है पर्सनल लोन वो भी यूको बैंक से मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं पहले बता दूं वीडियो की शुरुआत में ही कि यहाँ पे जो है हम लोग पर्सनल लोन की जो बात करने वाले हैं उसको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करके आवेदन करेंगे उसी के माध्यम से करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आए, और आप लोग जो पर्सनल लोन की जो वीडियो को फाइंड कर रहे हो, पर्सनल लोन कैसे लेंगे इसको लेकर जो सवाल ढूंढ रहे हो, काफ़ी कहाँ से ढूंढ रहे हो काफ़ी टाइम से, इसका आपको जवाब मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, लोन पाओ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही में कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको अपना पूरा नाम, किस जगह से वीडियोज वॉच कर रहे हो और क्यों लेना है यूको बैंक से आप लोगों को पर्सनल लोन, या आप हमें कॉमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की। ये वीडियो है, जैसे नीचे वीडियो का टाइटल होता है, टाइटल पे जैसे ही टैप करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगी आपको वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली करना है आपको क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे योजना पॉलिसी डॉट कॉम की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब आप लोग इस वेबसाइट पे सीधा आ जाओगे तो ये बता दूं एक बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी की साइट है, जहां पे आपको प्रॉपर तौर पे कहां से लोन कैसे लें, कहां से लोन कैसे आवेदन करें, या फिर कहां पे आप लोगों को अपना कोई भी खाता खोलना है वो कैसे खोले, उसके रिलेटेड यहाँ पे जानकारी मिलती रहती है। सबसे पहले आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पर टैप करना है, इसके बाद उसके अंदर आपको मिलती है काफ़ी सारी कैटेगरीज। अब क्योंकि आपको पर्सनल लोन लेना है तो पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोगों सामने जो कैटेगरी है वो अनेबल हो जाएगी पर्सनल लोन की, जहाँ पर आप देख पाओगे कि अलग अलग बैंक्स, अलग अलग ऐप्स, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो आपको यहाँ पे जो है क्लेम करती है कि आप कैसे तरीके से लोन लोगे। तो यहाँ पे जो आपके सामने इतने सारे पेजेस आ रखे हैं ना, इन्हीं पेजेस के अंदर आपको बैंक्स की भी लिस्ट मिल जाएगी, इन्हीं पेजेस के अंदर जो है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी लिस्ट मिल जाएगी। पर आपको अपना टाइम सेव करना है तो एक काम आपको करना पड़ेगा, मेन्यू बार पर आप लोगों को जाना है और आपको जो है जो सर्च बार होता है इस पर क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना है, यूको पर्सनल इतना कीवर्ड डाल के सिंपली करना है सर्च, तो आप लोगों के सामने रिजल्ट आएगा कि यूको बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले, कैसे आवेदन करें। जैसे आप लोग सामने ये कंटेंट आ चुका है, यूको बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले, सिंपली आपको इस पर करना है क्लिक और ये कंटेंट आपके सामने डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि कंटेंट खुल चुका है तो आपको समझने की नीड है कि यहाँ पे कंटेंट के अंदर क्या क्या जानकारी दी गई होगी। देखो सबसे मेन मेन बातें मैं बता देता हूँ, अमाउंट के बारे में बात की गई होगी कि कितने रुपये तक का लोन मिलेगा, इंटरेस्ट रेट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्याज दर के बारे में बात की गई होगी कि क्या ब्याज दर होगा। जब ये दो बात खत्म हो जाती है तो फिर एक और चीज़ सामने आती है कि जब आप लोन लेते हो तो लोन लेने के साथ में दिमाग में एक सवाल पहले से ही जन्म ले लेता है, जो कि है यहाँ पे पैसे कब तक चुकाने पड़ेंगे, मीन्स रीपेमेंट जैसे आप टेन्योर कहते हो। इसके अलावा मैंने एलिजिबिलिटी के बारे में और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी चीज़ों को ऐड ऑन किया ही था, तो ये कुछ सवालों का जवाब है जो आपको आर्टिकल के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा, तो आप इसको जरूर पढ़ना। और लैंग्वेज की कोई बैरियर नहीं है, आप इसको हिंदी सहित और भी कोई भी भाषाओं में ट्रांसलेट करके बहुत ही आसान में पढ़ सकते हो, ठीक है। जब आप लोग इसको पढ़ लोगे तो बारी आती है अब आगे क्या करना है। अब आगे आपको जो है विजिट का लिंक देखने को मिलेगा, वो भी इसी आर्टिकल के अंदर, जिस पर आप जैसे ही टैप करोगे सीधा रिट्रेक्ट कर जाओगे यूको बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे, और स्पेशली पर्सनल लोन वाले वेब पेज पे आप यहां पे सीधा आ जाओगे। अब जब पर्सनल लोन वाले वेब पेज पे आ जाओगे तो सबसे पहले यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पर्सनल लोन क्या है, किसे दिया जाता है। देखो 100 बात की एक बात है कि यहाँ पे डोमेस्टिक आपके रीजंस की वजह से, डोमेस्टिक कारणों की वजह से आप लोगों को ये लोन दिया जाता है, चाहे इसके अंदर आपकी वेडिंग आ जाए, वेकेशन आ जाए, प्लानिंग आ जाए, आपकी जो है कुछ और समस्या, इमरजेंसी फंड की नीड हो जाए, कुछ भी, ये सारी सी डोमेस्टिक्स की चीज़ें जो डोमेस्टिक के अंदर आने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं पर्सनल लोन की, तो यहाँ पे देखो तो पर्सनल लोन की कैटेगरीज काफ़ी है, लेकिन हम यूको कैश पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं, तो यूको कैश पे ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया जाता है कि ये जो लोन है वो इसलिए दिया जा रहा है आपको ताकि आप जो है अपने मैरिज, एजुकेशन, सोशल ऑब्लिगेशन, एग्रीकल्चर नीड्स को जो है फुली तरीके से जो है कंप्लीट, या फिर उसके ही आधार पर दिया जाता है या फिर उसी के लिए दिया जाता है। अब इसके अलावा बात करते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, तो यहाँ पे साफ साफ कहा जाता है कि जो एप्लीकेंट है, जिसको लोन आवेदन करना है, उसको कंप्लीट जो उसको जो है कम से कम एक साल कंप्लीट करना होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के तौर पे, या फिर एक जो है इसका वर्किंग एक्सपीरियंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे होना चाहिए, या फिर वो जॉब वही करना चाहिए, या फिर 2 साल फॉर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉर सर्विस इन सेम ऑर्गेनाइजेशन। अब पर्सनल लोन कैलकुलेटर अवेलेबल टू हेल्प यू फिगर आउट हाउ मच यू शुड पे ईच मंथ, ठीक है, यू कैन सेलेक्ट टेन्योर, यानी कि आप लोग जो है अपने कैलकुलेटर के हिसाब से देख सकते हो कि आपको जो है कितने रुपये तक का ईएमआई पे करना पड़ेगा हर महीने।
साथ ही में यहाँ पे आपका टेन्योर क्या होने वाला है, यानी कि कब तक आप लोन अमाउंट को चुका सकते हो, ये सब चीज़ सिलेक्टिव होगी। बाकी एप्लीकेंट जो है यहाँ पे पैरामीटर जो है कुछ कंफर्म इंप्लॉय के तौर पे है कि जैसे आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम करते हो, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ अंडरटेकिंग एंटिटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ऑटोनॉमस बॉडीज, या दूसरी तरफ बात करते हैं प्राइवेट में तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल्स, टीचिंग स्टाफ, नॉन सेलेक्टेड क्लास, प्रोफेशनल डॉक्टर, सी एस, सी एस सी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, वैल्यू वैल्यूअर्स, आर्किटेक्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, ये सारे लोग जो है एलिजिबल माने जाते हैं। एप्लीकेंट शुड भी यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा इनकम क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे नेट टेक होम पे शुड नॉट बी लेस देन 40% ऑफ ग्रॉस सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ पीएफ, आईटी एंड अदर स्टैच्यूटरी और डेडिकेशन इंक्लूडिंग प्रपोज्ड ईएमआई ऑफ की यूको कैश लोन, लोन ग्रांटेड बाय हिज एम्प्लॉय। तो इस चीज़ को आप पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक बात की गई है कि 15,000 रुपीज़ जो है सैलरी के ऊपर बात की गई है, बट वो किस केस में उसको जरूर से समझना। बाकी अदर इनकम लाइक रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा में बी टेकन इंटू अकाउंट फॉर रिकॉकिंग द एलिजिबल क्वांटम ऑफ पर्सनल लोन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाइक आई टी रिटर्न एक्सेट्रा। अब मेन बात जो कि आप लोग भी सुनना चाहते हैं कि लोन अमाउंट कितने तक का मिलेगा, तो मेंटेनिंग सैलरी अकाउंट विद आवर ब्रांच होना चाहिए 20 टाइम्स ऑफ ग्रॉस मंथली इनकम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20 लाख रुपीज़, और विदाउट सैलरी अकाउंट 5 टाइम ऑफ जीएमआई सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़। बाकी आपके सामने जो है पूरी लिस्ट है कि यहाँ पे अमाउंटिंग का क्या सेक्शन है ना। सिक्योरिटीज़ जो है यहाँ पे कोई नो सिक्योरिटी नो कॉलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वैसे मैंने बता रखा है कि सिबिल स्कोर के हिसाब से भी चीज़ें मेंटेन होती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ्लोट के हिसाब से होगी, फिक्स नहीं होगी। तो ये आपको जो है साल के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, और मे बी यहाँ पे जो है ये बैंकिंग पॉलिसीज पर डिपेंड भी करता है। इसके अलावा सारी बातें जान लेने के बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी के हिसाब से अलग अलग दिया गया है। बाकी रीपेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 84 इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ई एम आई आपको जो है 84 ई एम आईज में आपको चुकाना पड़ सकता है फॉर एम्प्लॉय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एज डिफाइंड अंडर एलिजिबिलिटी में, ठीक है। बाकी जो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनके लिए 60 EMIs ही होगी। बाकी रीपेमेंट की जो बात करते हैं फॉर सैलरी क्लास सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज देव एंटायर लोन टू बी रिपेड 1 ईयर बिफोर रिटायरमेंट। बाकी फॉर नॉन सेंट्रल क्लास के लिए मैंने चीज़ बता रखी है। बाकी प्रोसेसिंग चार्जेस जो है 1% ऑफ द लोन अमाउंट होगा, जो मिनिमम 750 रुपये तक हो सकता है, तो 1% है तो ये इससे ऊपर भी जा सकता है। तो कुछ मेन मेन बातें कर ली है हमने यहाँ पे पर्सनल लोन, यूको कैश पर्सनल लोन के बारे में। बाकी बात करते हैं आवेदन कैसे करेंगे। तो जहाँ तक बात करते हैं यूको कैश एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी यूको कैश पर्सनल लोन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये आपके सामने आ चुका है एप्लीकेशन फॉर टर्म लोन अंडर यूको कैश लोन स्कीम, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरी तरीके से आ चुका है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अपने पासपोर्ट फोटोग्राफ को यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है ब्रांच वगैरह डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं इस वाले एप्लीकेशन फॉर्म को क्यों दिखा रहा हूँ, पसंद समझ जाओ। दो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपके सामने जो है यूको कैश लोन स्कीम से रिलेटेड आएंगे। एक तो यही है सब्जेक्ट जो एप्लीकेशन फॉर टर्म लोन अंडर यूको कैश लोन स्कीम, और जो दूसरा है तो दूसरा कुछ इस तरीके से है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लोन अंडर यूको कैश स्कीम। तो यहाँ पे जो है सिंपल तरीके से जो है इनमें से जो भी आपके लिए बेस्ट हो वो चूज़ कर लेना। हालांकि दूसरा वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले वाले में टर्म लोन के तौर पे बात आ रही है तो गारंटर वारंटी की बात की जा रही है, लेकिन पर्सनल लोन के केस में जो है यहाँ पे उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से नहीं होती। तो एप्लीकेशन फॉर्म अपने हिसाब से देख लेना, दो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि दोनों के दोनों जो है आपको यूको बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगा। इसको भरना काफ़ी आसान है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मोटा मोटी तौर पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट्स तो ये है कि आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या और आपकी पासपोर्ट फोटोग्राफ जो कि 6 महीने से ओल्ड नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ आपको चाहिए होगी। और दूसरी चीज़ आपकी ऑक्यूपेशन वाइज प्रूफ, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो या फिर ऑटोनॉमस बॉडी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी काम करते हो, जो भी वहाँ पे एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी लोन ले सकते हैं उनमें अगर आप आते हो तो उसके जो है प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे सैलरी स्लिप या फिर आपका जो है वर्किंग एक्सपीरियंस रिपोर्ट, या इसके अलावा आपके ऑक्यूपेशन वाइज कोई जॉब कार्ड हो या आइडेंटिटी प्रूफ हो, इस सभी चीज़ को आप वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो। बाकी अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह की नीड हो तो वो भी आप दिखा सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए मदद होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को आप यूको बैंक के ऑफिशियल साइट या फिर यूको बैंक के लिए नियरेस्ट ब्रांच से आके वहाँ पे ऑन द स्पॉट बोरो कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स को आप जरूर से साथ में लेके जाना, एप्लीकेशन फॉर्म को भर करके फोटो वगैरह को पेस्ट करके सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच या फिक्स करके सिंपल तरीके से यूको बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में जमा कर देना है, एंड वहाँ पे आपका यूको कैश पर्सनल लोन जो है अप्लाई के लिए चला जाता है। तो आशा करते हैं वीडियो सुन में आई होगी आप लोगों को, कैसे इसको कंप्लीट करना है वो भी आप लोगों ने समझ लिया। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए यूको बैंक से तरुण मुद्रा लोन कैसे लेंगे ये वाली वीडियो देखें।